Hello dear students, in this lecture we will discuss about user interface analysis and design. Analysis and design ये बहुत ही important factors हैं, phases हैं. जब भी हम एक certain analytical way में कोई भी कार्य करते हैं, means हम हर particular aspect के different perspective angles traverse करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? एक detailed miniaturized version मिल जाता है. और हमें वो चीजें जो जनरल वे में दिख नहीं रही थी, शायद कुछ एरर्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं, वो हमें एनालिसिस के रिजल्ट में दिखना शुरू हो जाते हैं. सो एक माइक्रो डिटेलिंग सिस्टम क्रिएट हो जाता है. अब एनालिसिस के बाद हम डिजाइन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिजाइन उस एनालिटिकल रिपोर्ट जो जनरेट हुई है उसके बाद बना है. मतलब सारे मिनिएचराइज कंसेप्ट को विजुलाइज करने के बाद कंक्लूजन के बेसिस पर हमने डिजाइन क्रिएट किया, राइट? सो यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सर्टेन स्टेप्स आप देख रहे हैं. पहली स्टेप है मॉडलिंग ऑफ सिस्टम फंक्शंस. सिस्टम फंक्शंस क्या है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, इसमें हम पहले रजिस्टर कराते हैं, देन लॉगिन कराया जाता है, देन आप डैशबोर्ड पर यूजर को पहुंचा देते हैं. मान लीजिए ये एक नॉर्मल फिनोमेना है. रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप क्या करेंगे? एक फॉर्म देंगे. अब ये फॉर्म देना सेकंड पॉइंट में आता है. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस आइडेंटिफाई ह्यूमन इंटरफेस टास्क. हमें क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है. किसके थ्रू कराएंगे? ये फॉर्म के थ्रू कराएंगे. कौन इसको भरेगा? ये यूजर इसको भरने वाला है. So, human interface हमने provide किया to accomplish what? Registration. Human interface हमने provide किया after registration to accomplish what? Login. Then we have created another user interface. All dashboard is already a user interface. So यहाँ पर हमें लिखना चाहिए wall, right? ये यूजर वॉल है, यूजर एरिया है, जो कि है ना डैशबोर्ड दिखेगा लॉगिन के बाद. और ये भी ह्यूमन इंटरफेस वाला जो सेकंड स्टेप है, यूजर इंटरफेस टास्क परफॉर्म किए जाएंगे. सो रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे लॉगिन पे पहुंच जाते हैं क्या? नहीं. आप देखिएगा एक बीच में वैलिडेशन मेल जाता है, ईमेल जाता है कि आपने जो ईमेल आईडी यहां पर मेंशन किया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक सो दैट यू विल बी वैलिडेटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. वो भी एक फंक्शन है, वो भी इंटरनली आपके डायग्राम्स में मेंशन होना चाहिए, है ना? सो ये इनहेरेंटली रजिस्ट्रेशन से लॉगिन के बीच में कुछ प्रोसेस और होने वाली है, तो उस प्रोसेस के लिए भी आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन से ही आप जीमेल या फिर किसी और सर्विस पर मेल सेंड करने वाले हैं, तो वहां के लिए भी क्या पर्टिकुलर प्रोफार्मा में मेल जाएगा, वो भी एक पार्ट है. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं. Prepare all interface design and resolve all design issues. यहाँ पे जितने भी interface designs हैं जो generate हो रहे हैं, जिससे user interact करने वाला है, उन सभी interface designs को हम prepare करें, और उसके अंदर कोई problem है, कुछ design issues हैं, जैसे visibility के issue हो सकते हैं, इसके अलावा component अच्छे से दिख नहीं रहा है, अच्छा, या फिर component में short जो भी particular website है उसमें कुछ shortcuts नहीं दिख रहे हैं. यूजर को हमने कंफर्ट देने के लिए एक लीफ बनाया हुआ है, कल लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. वेबसाइट के साइड में हम एक लीफ बना देते हैं शॉर्टकट्स के लिए, ये हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल्स में, है ना? सो वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करना है हमें, और उसके जब आप उनको फॉलो कर लेंगे, इसका मतलब है डिजाइन इश्यूज मिटिगेट या हटा दिए गए, इरेडिकेट कर दिए गए. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. टू डिजाइन प्रोटोटाइप अप्लाई मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स. डिजाइन को बनाने के लिए या प्रोटोटाइप को डिजाइन प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हम कुछ मॉडर्न टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक विजुअल पैराडाइम. विजुअल पैराडाइम में हमने यूएमएल कोडिंग की, ठीक है, जिसमें यूएमएल के डिजाइन बनाए. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजर इंटरफेस एनालिसिस डिजाइन की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली आप कुछ ऐसे टूल्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. क्या क्रिएट कर सकें? वायर फ्रेम.
वायरफ्रेम क्या है, ये वो पर्टिकुलर लेआउट है जिसपे क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम का डिस्कशन होता है। मेन्यू कहाँ रहेगा, कैरोसेल या फिर बैनर कैसा होगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी, टेस्टिमोनियल की कैटेगरी, इसके अलावा एक फूटर रहेगा जिसमें कॉपीराइट डिस्क्लेमर, यहाँ पर आपका सोशल मीडिया लिंक्स हो सकती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एक वायर फ्रेम है। यहाँ इस वायर फ्रेम को बनाने के लिए भी कुछ मॉडर्न टूल्स हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करना है टू डिजाइन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, इट इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन। सो एक जनरलाइज टॉय, एक जनरलाइज वेबसाइट बनाने के लिए, उसका टॉय इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें फिफ्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंट डिजाइन मॉडल। जब हमारे पास एक टॉय बनके तैयार हो जाता है, इसका मतलब वायर फ्रेम रेडी हो गया है। अब इस वायर फ्रेम को हमें क्या करना होगा, कोड करना होगा। नाउ द कोडिंग विल बिगिन। कोडिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन। हम यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript या Bootstrap, क्योंकि ये फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस की बात हो रही है ना, तो इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिजाइन मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कोड करेंगे। सिक्स पॉइंट है, इवैल्यूएट डिजाइन फ्रॉम एंड यूजर। अब जो भाई हमें ऑर्डर दिया है, जिसने हमें ये वेबसाइट बनाने के लिए बोला है, वो हमारा कस्टमर है, और कस्टमर के पर्सपेक्टिव में उस वेबसाइट को यूज करने वाले उसके कस्टमर होंगे। सो आप देखिएगा, एक होता है यूजर, एक होता है एंड यूजर। यूजर मतलब जिसने वेबसाइट बनवाई, मान लो। एंड यूजर कौन होगा, कंज्यूमर ऑफ द एप्लीकेशन। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी से SBI ने अपनी वेबसाइट बनवाई। अब उस वेबसाइट को यूज कौन कर रहा है, उसके कस्टमर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ATM कार्ड ले लीजिए, ATM कार्ड के ऑपरेशन हो सकता है कोई दूसरी कंपनी देख रही हो, या X नाम की कोई कंपनी देख रही है, ठीक है। इसका यूजर कौन कहलाएगा, SBI, लेकिन एंड यूजर कौन कहलाएगा, द कस्टमर ऑफ SBI। So, evaluate design from end user perspective. यहां पर वो पर्टिकुलर एंड यूजर जो है ना, वो डिफरेंट परस्पेक्टिव में, वो सारे बोलना चाहिए जितने भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं या इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर उनका एक्सपोजर है, और एक्सपोजर होने के कारण वो एक अनबायस्ड अपनी राय दे सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे कि ये चीजें क्वालिटी लेवल पर शायद ठीक नहीं है, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। So quality will get improved. यही इसका perspective है कि evaluation करो कि क्या सब कुछ सही है, और perspective किसका होगा, end user का। So end user को आप वो particular website बोलते हैं ना, beta version में हम देते हैं कि आप देखिए एक बार traverse कीजिए, अभी evaluation copy है ये, या फिर बोलना चाहिए आप इसको experience कीजिए, और उसके बाद फिर हमें इसके feedback दीजिए। So these are the steps of user interface analysis and design. अब यही steps broadly दो particular category में classes में हम इसको visualize कर सकते हैं। अब ये दो classes कौन कौन सी हैं? So पहली class है model की। So यहाँ पर अपन design model की बात कर रहे हैं। Design model. So analysis and design model, आप ऐसे समझ लीजिएगा, analysis and design model. So, इंटरफेस का एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल, और इंटरफेस का एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस, एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस। प्रोसेस यही रहेगी, ठीक है, आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। उसको दो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल और एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस के हिसाब से हम इसको समझने चाह रहे हैं। नाउ यू कैन सी द डायग्राम on the screen. Interface analysis and design के activity को चार model में divide किया गया। पहला model user model, जो user के perspective को model करता है। दूसरा है design model, जो कि design perspective को model करता है। यहाँ पर design issues और कैसे refinement होगा, iterations क्या होंगे, इनकी बात होगी। Mental model basically psychological model है user के perspective का, जिसमें
आप देखिएगा कि ये हमारा लास्ट डिस्कशन भी हुआ था कि एक लेगेसी सिस्टम्स को ही कंटिन्यू करना ज्यादातर प्रेफर किया जाता है वेबसाइट के केस में, जिस पर्टिकुलर लुक एंड फील और स्टाइल की यूजर को आदत हो चुकी है हम उसी को आगे लेके जाते हैं। सो एक मेंटल मॉडल भी क्रिएट हो चुका होता है यूजर के दिमाग में और उसके हिसाब से आपको अपना डिजाइन को तैयार करना चाहिए, है ना। देन फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। सो हाउ द इम्प्लीमेंटेशन विल टेक प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर फ्रेम, राइट। सो इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन के चार मॉडल हो गए। अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस के केस में आपको सेक्शन बी दिख रहा है जिसमें चार क्वाड्रेंट बने हुए हैं। स्पाइरल मॉडल जैसा लग रहा होगा ये एसडीएलसी के, लेकिन ये स्पाइरल मॉडल है बट किसके केस में? यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन के केस में। यहां पर चार क्वाड्रेंट हैं, तो पहला क्वाड्रेंट जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है आपको दिख रहा होगा, वहां पर एनवायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग फेज बोल रहे हैं हम उसको। तो पहला क्वाड्रेंट हो गया एनवायरमेंट एनालिसिस, एनवायरमेंट जिस पर हम काम करने जा रहे हैं या डोमेन कौन सा है इसकी बात हो रही है और उसको मॉडल करवा रहे हैं। देन दूसरा सेक्शन में आ जाइए जहां पर इंटरफेस का डिजाइन किया जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी ये पता चली, उसके बाद हमने इंटरफेस को अकॉर्डिंगली डिजाइन किया। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाइए जहां हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। डिजाइन के बाद जो भी डिजाइन बना अब अपने उसको किया, क्या किया? कोड किया। कोड करने से कोडिंग के वर्जन रिलीज हुए, रिलीज वन, रिलीज टू, रिलीज थ्री, और ये रिलीज होते रहेंगे। लेकिन आप जो रिलीजेस देख पा रहे होंगे वो हर इटरेशन का एक रिजल्ट है, तो एक बार में एक ही रिलीज होने वाला है, ठीक है। सो पहले इटरेशन में, पहली साइकिल में जो पहला रिलीज है उसके बाद अगले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे जिसका नाम है इंटरफेस वैलिडेशन। इवैल्यूएशन की बात हो रही थी ना, सो इवैल्यूएशन या वैलिडेशन यहां पर होने जा रहा है और यूजर के पर्सपेक्टिव में, एंड यूजर के पर्सपेक्टिव में वो डिजाइन वायरफ्रेम कैसा बना है, उसका कोड कैसे काम कर रहा है, फाइनल आउटपुट कैसे आ रहा है, क्या ये पर्टिकुलर दोनों चीजें इक्वेट हो रही हैं, जो वायरफ्रेम था क्या वही यहां पर बनके रेडी हुआ है आउटपुट में, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, पहली साइकिल में रिजल्ट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट इन व्हाट सेंस? यूजर पर्सपेक्टिव में हो सकता है कुछ थीम को लेकर कुछ इनपुट्स आ जाएं तो हमें अगली साइकिल देनी होगी। तो आप देखिएगा पहली साइकिल के बाद फिर अगली साइकिल ली, फिर अगेन वही एनवायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग हुआ, देन अगेन इंटरफेस डिजाइन हुआ, देन इंप्लीमेंटेशन, देन इंटरफेस वैलिडेशन। इंटरफेस मतलब लेआउट, जो भी अपन ने वायर फ्रेम बनाया हुआ है ये पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली जब तक क्लाइंट ये नहीं बोल देता ऑल ओके वी कैन गो अहेड विद द फ्रंट एंड डिजाइन, देन अनलेस एंड अंटिल वी विल यू नो फ्लो इन द लूप, राइट। और जैसे ही उसने ओके बोल दिया देन वी विल स्टॉप एंड फर्दर कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेज। सो दैट्स इट विथ यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन। थैंक यू।